अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको देखने से पता चलता है कि विधायक रहीम खान को नुपुर शर्मा का नाम तक नहीं पता और नुपुर शर्मा को वे विपुल शर्मा कह रहे हैं। विपुल शर्मा। बीदर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की ओर से बीदर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बीदर के विधायक रहीम खान ने भाग लिया। मीडिया ने जब विधायक रहीम खान से पूछा कि आपने नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन क्यों नहीं किया, आज से पल्ला छाड़ते हुए और अपने बचाव में विधायक रहीम खान ने कहा कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर इस्लाम पर दिए गए आपत्तिजनक स्टेटमेंट पर विरोध किया है, जबकि सवाल विधायक रहीम खान के बारे में पूछा गया था। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ सवाल ये था कि आपने नुपुर शर्मा विवाद पर विरोध क्यों नहीं किया, वो अलग इशू है, ये अलग इशू है। विपुल शर्मा के बारे में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी सभी लोग ऑलरेडी बोले हैं, टीवी में देखे हैं, आप हर तरीके से बोले हैं, जिस सिस्टम से बोलना है बोले हैं, और कई जने आगे अगर वैसे जरूरत पड़ी तो बराबर हम रहेंगे सर। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको देखने से पता चलता है कि विधायक रहीम खान को नुपुर शर्मा का नाम तक नहीं पता और नुपुर शर्मा को वे विपुल शर्मा कह रहे हैं। विपुल शर्मा। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जनता जानना चाहती है कि नुपुर शर्मा तो पता है, मगर ये विपुल शर्मा कौन है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में जिस ऑटो को माइक लगाकर लाया गया था, उस ऑटो पर माइक लगाने का परमिशन ही नहीं था। पुलिस ने उस ऑटो को वहां से भगा दिया। विधायक रहीम खान ने भी यह बात स्पष्ट की है कि बिना परमिशन के माइक वाला ऑटो लाया गया था। बीदर की जनता का यह कहना है कि सो कॉल्ड सेकुलर कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो इसके बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से देश भर में हल्ला मचा दिया गया। लेकिन जब बीजेपी की ओर से कर्नाटका और देश भर में ऐसे कई विवाद हुए, जैसे कि हिजाब विवाद, लाउडस्पीकर विवाद, झटका और नुपुर शर्मा जैसे आपत्तिजनक बयान लगातार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते रहे, जो कांग्रेस का 70 सालों से वोट बैंक रहा है, ऐसे समुदाय पर जब अत्याचार होता है तब ये सेकुलर का नकाब लगाई हुई कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान की विशेष रिपोर्ट।